Thank you very much for coming to this event. Our company, Blueberry Films, is a newborn baby in the field of media and entertainment. But we promise and we are committed to give quality content year after year. Dare You is the first courageous attempt on this process. In few minutes from now, we'll open the first poster look of Dare You. And I would like to say this, ki abhi tak ki history of Indian cinema mein, the poster that we are opening is first of its kind. Even the character, the Rani Diwan, the chief character of the film, is first of its kind in the history of Indian cinema. So, like, enjoy the process with us, and again, thank you very much for supporting us and coming here today. Thank you so much, sir. I completely agree. मैं आपसे ये बात पे बहुत ही agree करती हूँ कि बहुत लोग का इतराज़ हो सकता है, but the role demands that. ये रोल की है, उनको चाहिए, ये डिमांड है कि शोइंग अ मिडिल फिंगर. जैसे मैंने आपसे कहा कि ये जो कैरेक्टर है रानी दीवान का, शी कम्स ऑल द वे फ्रॉम कश्मीर. वो कश्मीर से आती है अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए पुणे यूनिवर्सिटी में. तो एज जो भी उसकी लाइफ में वो जो पूरी थ्रू आउट द जर्नी जो भी वो फेस करती है, दैट्स द रीज़न जो उसे मिडिल फिंगर दिखाई है वो चीज़ पे. एंड इंशाल्लाह व्हेन द मूवी गेट्स रिलीज, जब पिक्चर रिलीज होगी, व्हेन यू विल सी द प्रोमोस, द क्रॉप एंड एवरीथिंग, यू विल कम टू नो व्हाई हैव वी शोन दिस मिडिल फिंगर. नो, आई हैवंट क्विट एक्टिंग. इनफैक्ट आई हैव डन अ फिल्म विद कबीर सदानंद व्हिच इज लाइकली टू कम अर्ली नेक्स्ट ईयर, व्हिच इज कॉल्ड गोलू और पप्पू. वो कबीर ने डायरेक्ट किया है, उसमें मैंने काम किया है एज एन एक्टर. पर आगे देखते हैं, इफ आई फील समथिंग रियली एक्साइटिंग देन आई विल टेक इट अप. बट फॉर नाउ आई हैव गॉट दिस मूवी टू डायरेक्ट एंड कपल ऑफ मोर थिंग्स आई एम वर्किंग ऑन. आई कैन नॉट से एनीथिंग ऑन दैट, बट देन बिकॉज व्हेन एज आई सेड व्हेन वी विल गेट रिलीज वी विल कम टू द स्टोरी. बिकॉज आई कैन जस्ट टेल द स्टोरी इन बिट्स. इट्स अबाउट रानी दीवान, शी इज द मेन लीड. वो मेन लीड है. शी कम्स फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम कश्मीर. इट इज़ बेसिकली एन एटीट्यूड फिल्म. It's about courage, daring, the way she faces through her life. It's actually amazing. It's really amazing what all she goes through, and then why she comes up with this attitude. That's the reason. It's based on an attitude film. उस तरह का मुद्दा नहीं है, लेकिन हाँ, ये definitely एक strong content है. एक ऐसा statement है जो कि definitely लोगों के सामने हम रखना चाहते हैं, हम दिखाना चाहते हैं कि ये चीज़ें आज हो रही हैं. और you can, you know, you don't really have to be just a guy, a man, to, you know, play the hero of the film.